हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक फिर एक नई खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर है। आज की हमारी खास खबर ये है, इधर 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 सामने सामने यस सामने वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, पूरा उठाई वाला मोबाइल हटा दो। हां बाबू अच्छा बना है ये जी सर, थैंक यू। जवान साहब क्या करेंगे आज यहाँ पे, जो प्रोग्राम किया, आयोजन किया, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? क्या नईम भाई ने एक अच्छे लड़के को यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष की सिफारिश की मेरे पास। पहले वाले जो ब्लॉक अध्यक्ष थे रुमानी, गफूर रुमानी, उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि मुझे सिटी पर जाना है, और मैंने देखा लास्ट टाइम जो ब्लॉक कमेटी की मीटिंग ली थी, बहुत ही मैं नाखुश था यहाँ पे कांग्रेस के इससे। तो मैंने नईम भाई से दरख्वास्त की कि थोड़ा ध्यान दीजिए। सोहेल जी को उन्होंने दिया, वसीम भाई को कल लाया पार्टी में। इतने अच्छी तरीके से ये आज ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से इतने लोगों को पद उन्होंने वितरण की। ये आप माहौल देख रहे हो मुमरा में, एक अलग माहौल बहुत सालों के बाद मुझे देखने को मिल रहा है कि मुमरा में कांग्रेस की घटी हुई ताकत अब मुझे किधर तो भी लग रहा है कि जैसे हमारा चांद जो है वो नज़दीक आ रहा है, हमें जल्दी ही दिखेगा। ईवी वाला मुहे उसने मेरे इंटरव्यू, मैंने दरख्वास्त की थी कि मेरे तरफ, मैं कांग्रेस की तरफ से मैं अध्यक्ष करके माफ़ी मांगता हूँ, और जितने पुराने लोग हैं जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं या इतर दूसरे इसमें, आप सब लोग वापस आइए, आपकी पूरी तरह इज्जत की जाएगी। नईम भाई ने अभी दोबारा से जब कांग्रेस में प्रवेश किया, उसके लोग क्या करेंगे? अरे नईम भाई ने प्रवेश करने की ज़रूरत क्या है, नईम भाई खुद कांग्रेस है यहाँ पे, नईम भाई के अंडर ही हम बड़े हो गए हैं। नईम भाई जब चलते थे, जिस जगह से नईम भाई रास्ता बदलते थे, उस जगह से ये बदल जाती थी, हवा की रूख बदल जाती थी। ये नईम भाई का ये इतिहास है। नईम भाई के अंडर मैं खुद तैयार हो गया हूँ, तो मैं नईम भाई को कांग्रेस क्या सिखाऊंगा? नईम भाई कांग्रेस को पहला तो टोरंट का मुद्दा है, कब्रस्तान का मुद्दा है, यहाँ पे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इलीगल बिल्डिंग्स का मुद्दा है। हमारे में मराठी में कहावत है, चोरा चा उल्टा बोंबा, कि खुद ही इलीगल बिल्डिंग्स बनवाते हैं, इनके नगर सेवक पैसे खाते हैं यहाँ पे, और इनके माध्यम से मैंने सुना था कि पिछले टाइम महापौर तक को पैसे मिले थे इलीगल बिल्डिंग्स के इसमें, हाँ एक पैसे मिले थे। तो मसले जो है यहाँ पे मुमरा के बहुत सारे मसले हैं, आप देख रहे हो। देखिए यहाँ पे ऐसा है, अभी जिसके वार्ड में इलीगल बिल्डिंग बनती है, आपको मालूम है कौन सा मिल कंपाउंड था वो जहाँ पे बिल्डिंग गिरी थी, बराबर है, जिसके वार्ड में बिल्डिंग बनी थी। अभी मैं भी नगर से हूँ, मेरे वार्ड में क्यों नहीं इलीगल बिल्डिंग बनती, क्योंकि मेरे को, मुझे कोई आस नहीं है। तो जिसके वार्ड में बनती है वो तो नगर से उतना ही जिम्मेदार है।
उसका नेता जिम्मेदार है, महापौर जिम्मेदार है। पिछली बार भी मैंने सुना 2012-13 में दीवा में कार्रवाई रोकी गई थी और महापौर के बंगले पर 5-5 लाख रुपए पहुंचे गए थे, ऐसे मैंने सुना है। तो ये जिम्मेदार कौन है, ये कौन बना रहा है? तो ये चोरा चा उल्टा बम्बा खुद ही ये करने का और बाद में सेटलमेंट करने का, ये अभी तुड़वाने को लगाने का, ये सब नाटक पंछी है। ये अधिकारी ये लोग ही भेजते हैं। मैं क्या बोलता हूँ कि जो पब्लिक है यहाँ पे, बिल्डिंगें होनी चाहिए, अच्छी बिल्डिंगें होनी चाहिए। ठीक है, इलीगेलिटी थोड़ी सी रहती है कोई बात, लेकिन क्या है, जो आवाज़ उठाता है यहाँ पे उसके आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है यहाँ पे, वो अभी होगा नहीं। मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ, अगर हमारे एक मारोगे तो हम तुम्हारे चार मारेंगे, और मुमरा कलवा में मैंने पहले ही कहा, या अगले स्टेट हो एकनाथ शिंदे जी का, कि कोई भी एरिया हो वहाँ पे सब जगह पे कांग्रेस का हाथ का पंजा लड़ेगा, इतनी ताकत हम खड़ी करें। यहाँ पे अगले टाइम ऐसे नहीं होगा कि ए बी फॉर्म पहुँचा नहीं, पैसे लेके ए बी फॉर्म रुकाए गए थे यहाँ पे लोगों के सामने वाले कैंडिडेट से, ऐसे होगा ना। विक्रांत चौहान बिकाऊ नहीं, कोई माई का लाल अभी तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमको खरीद सके, और कांग्रेस ही बहुत अच्छे। अकाली सरकार है लेकिन कांग्रेस तो कहीं ना कहीं थाना में नजरअंदाज किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? देखो, मैंने परसों ही डकार दे दी थी, आपको मालूम है, दो मंत्री लोगों को। हाँ। इसके आगे कांग्रेस को नजरअंदाज करोगे तो जमीन पर हम भी चलेंगे, आप भी चलेंगे, दोनों रास्ते पर आ जाएंगे। हम पाटिंबा निकाल लेंगे आपका सरकार का, और सब रास्ते पर रहेंगे, बीजेपी आएगी। यही पे भी वैसे होगा, अगर सम्मान से आप हमको बुलाओगे यहाँ पे, आप अगर अगाड़ी सरकार, हमारे नेतागण भी हैं, हम राहुल जी तक हमारा टच है, हम राहुल जी को बोलेंगे अगर इज्जत से ये लोग दे ये कर रहे हैं तो हम करेंगे, अन्यथा हम सभी सीटों पर कांग्रेस का हाथ का पंजा खड़ा करेंगे। जिसके वार्ड में बनती है वो नगर सेवक जिम्मेदार है, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा भाई है, या चाहे मेरा दुश्मन है, या मेरा सहयोगी पार्टी है। मैं इतना ही कहता हूँ, टोरंट किसके राज में आया, यहाँ पे कौन नेता है, यहाँ पे मंत्रिमंडल में कौन है, और उनके ही लोग मोर्चा निकालते हैं, ये सब नाटक पंची नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर हिम्मत है तो बंद करवाओ टोरंट, मंत्रिमंडल में आप लोग हैं, टोरंट बंद करवाओ ना। टोरंट करो थाने महानगर पालिका में, फिर मेरे से बात करना। मैंने ये भी सुना है इन नेताओं को टोरंट ने इलेक्शन फंड दिया था, इसलिए टोरंट के खिलाफ बात नहीं कर रहे। बावजूद भी विधानसभा, ये बाहर के आदमी को एनसीपी के दबाव के नीचे, शरद पवार जी के दबाव के नीचे सोनिया जी ने ये सीट छोड़ दी। हाँ, हाईकमांड ने ये सीट छोड़ दी, मालूम नहीं उनको क्या गुमराह किया था, उनकी कोई गलती नहीं है सोनिया जी के लिए, गुमराह किया। हमारे महाराष्ट्र के नेता कम पड़ गए और ये सीट एनसीपी को गई। अभी हुआ ये, इनको चुनके लाने के लिए पहली बार मनोहर सालवी हो, अनिल सालवी हो, या नईम भाई हो, खुद खड़े थे जब इनके खिलाफ सुभाष भोईर थे, इनके खिलाफ दुनिया थी, राजन किनी थे, तभी इनके ट्रक पर खड़े हो गए नईम भाई और ये लोग सब के, चलो बाबा चुनके देंगे। आगे चलकर ऐसा हुआ कि इन्होंने एनसीपी यहाँ बढ़ाने के, इसमें इन्होंने ये किसी के हुए नहीं अभी तक, देखो अजान चालू हो रहा है, ये एनसीपी के कभी हुए नहीं कांग्रेस के। तो इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस को दबाने की कोशिश की और पिछले 8-10 सालों में कांग्रेस यहाँ पे खत्म करने की कोशिश की। अब इसके आगे होगा नहीं, करके काम करके जैसे पहले भी मेहनत की थी, वैसे फुल मेहनत करके, जैसे चौहान साहब ने भी बताया, जो इलेक्शन होएगा मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर डबल फिगर में नगर सेवक रहेंगे, ये एक सर। मेरा एक सवाल और, मैं आपको एक आप ही का सवाल का एक जवाब देना चाहता हूँ। आप जो बता रहे थे ना कि कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग के अंदर विक्रांत चौहान साहब ऐसा बोल रहे हैं, उन्होंने जो वीडियो किया था और ये कहा था, पब्लिक से अपील की थी, क्या जहाँ जहाँ इलीगल बिल्डिंगों का काम चल रहा है वो मेहरबानी करके मेरे को बताएं। लेकिन मैं पब्लिक को उलझन में नहीं डालना चाहता हूँ, उनके नगर सेवकों ने तो नहीं बताया, लेकिन विक्रांत चौहान साहब हमारे नगर सेवक हैं, मैं मेरे आदेश दूंगा ब्लॉक प्रेसिडेंट को का सारी इलीगल बिल्डिंग जिधर जिधर बन रही हैं और इलीगल काम हुए उसकी लिस्ट इनको दे और विजय मंत्री को दे और फिर देखें क्या वो काम करते हैं या नहीं करते। नहीं खान साहब, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जो ब्लॉक प्रेसिडेंट के जो पद वाटर किया उसको लेकर क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ विक्रांत साहब को और नईम खान साहब को कि उन्होंने इतना बड़ा भार मेरे कंधों पर डाला है
मैं बस जो बोलना था उन्होंने बोल दिए, पत्नी उन्हीं के हाथ से बंटवाए। बस ये था कि जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा कि मुमरा के अंदर घर घर तक कांग्रेस पहुंचाने के लिए जितनी मेरी ताकत है उससे बढ़ चढ़ कर मैं कोशिश करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि जो भरोसा उन्होंने मुझ पर जताया है वो गलत साबित ना हो। बहुत सारे मुद्दे मुमरा में, ट्रैफिक का मसला है, ड्रग्स का मसला है, किन मुद्दों को लेकर आप काम करो? जितने मुद्दे हैं हर मुद्दों को लेकर बात करेंगे। ट्रैफिक का बोल रहे हो आप, लाइट का है, फिर अभी गड्ढों का है, अभी गड्ढों का मसला तो हमने उठाया ही था। अभी बहुत से मसले हैं इल्लीगल बिल्डिंग के भी जो आप बोल रहे हो, हर मसले हम उठाएंगे इंशाल्लाह। और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे, देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हर खबर आप तक पहुँचती रहे।